आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सामने है। क्वेश्चन नंबर एक में बोला जा रहा है साइन 32 डिग्री 10 मिनट जी। यहाँ इसको 10 मिनट पढ़ेंगे, जिसे यहाँ पर इस तरह से है 10 मिनट, अगर डबल इस तरह से कॉमा आता है तो उसको हम लोग 10 सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है साइन 32 डिग्री 10 मिनट किसके बराबर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो जैसे हम लोग बनाते थे कि साइन 10 डिग्री कितना का बराबर है, तो ये साइन कॉस का अपोजिट होता है, तो साइन कितना के बराबर, कॉस कितना के बराबर होता है? 80 डिग्री का, क्योंकि दोनों का एज कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी साइन 10 डिग्री किसके बराबर है? कॉस 80 डिग्री का, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 10 को साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। तो चलिए उसी के हिसाब से हम लोग साइन 32 डिग्री 10 मिनट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जान गए हैं कि एक डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम लोग घटा लेना है, 90 डिग्री में से हम लोग घटा लेना है 32 डिग्री और 10 मिनट को। तो चूंकि यहाँ पर मिनट नहीं है इसलिए हम लोग जीरो ले लेंगे, जीरो मिनट, और ये एक डिग्री इसको दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट में से 10 मिनट जाएगा तो 50 मिनट हो जाएगा, और ये दे दिया तो इसके पास बचा है 89 डिग्री। तो 89 डिग्री में से 32 डिग्री जाएगा तो हो जाएगा 57 डिग्री। इस तरह से हम लोग का आंसर होगा साइन 32 डिग्री साइन 32 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 57 डिग्री 50 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन है 10 साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 10 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री किसके बराबर है। तो चलिए इसमें से यदि हम लोग 10 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बन जाएगा, और ये हो जाएगा 10 और गुणे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो साइन तो ये हो जाएगा 10 1 10, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, a प्लस बी किसके बराबर है? 90 डिग्री, तो साइन a किसके बराबर है पूछ रहा है सवाल में। चलिए इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, हम लोग दिया है साइन सॉरी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया, तो साइन a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू पूछ रहा है तो b को इधर हम लोग भेज देते हैं। तो यह हो जाएगा ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, इसको a को इधर b को ट्रांसफर कर दिया तो प्लस से माइनस हो गया। अब साइन a पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन दोनों तरफ लिख देंगे, साइन ए हो जाएगा इधर और इधर जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बी। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है कॉस थीटा, यानी कॉस बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये देख लेंगे हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ये होता है कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है तो सेक इक्वल टू होता है एच बाई बी, और ये भागा हो गया, और कॉसेक इक्वल टू होता है एच बाई P। तो भागक गुना बदलेंगे तो H नीचे आ जाएगा और P ऊपर चल जाएगा, H H कट जाएगा, तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया
पी बटा बी, तो ये कॉट स्क्वायर नहीं होगा टेन स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, वन बाई रूट थ्री किसके बराबर है? वन बाई रूट थ्री का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो सब यहाँ पर दिया गया मान जो है पाई में है, तो एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई जो होता है 180 रेडियन के बराबर होता है, जो 180 डिग्री माना जाता है, ठीक है, 180 डिग्री पाई जहां भी आएगा क्वेश्चन में आप लोग पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 180 डिग्री, तो साइन पाई बाई थ्री यहाँ पर दिया गया है, तो अगर पाई का मान 180 लेते हैं तो साइन 180 में 3 से भाग देंगे तो साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू तो 1/√3 नहीं होता है, फिर यहाँ देखिए 6 इंटू कॉट पाई बाई थ्री, तो कॉट 60 डिग्री, यानी 180 में 3 से भाग देंगे तो कॉट हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए ये भी इसके बराबर नहीं है, यहाँ देखिए टेन पाई बाई सिक्स में, तो टेन और पाई का मान हो गया 180 और बटा 6, तो 6 से भागा देंगे 180 में 6 6 × 6 = 18 यानी ये हो गया पाई, सॉरी पाई बाई 6 जो हो गया ये टेन 30 डिग्री के बराबर, और हम लोग जानते हैं टेन 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 sec² a माइनस 8 tan² a किसके बराबर है, इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, ठीक है, तो 8 sec² a माइनस 8 tan² a, तो फॉर्मूला होता है sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1, तो इसको मिटा दे, देखिएगा थोड़ा सा, तो यदि हम लोग इसमें से 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा sec² a माइनस tan² a, और sec² a माइनस tan² a 1 के बराबर होता है, 1 में 8 से गुना कर देंगे तो a, मतलब कि हम लोग ऑप्शन ए सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, क्वेश्चन में tan थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी किसको तोड़ने पर इसमें tan थीटा मिलता है, तो ऑप्शन ए में दिया है sec² θ - 1, तो हम लोग जानते हैं sec² θ - 1 होता है tan² θ, यानी ये इसके बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ दिया है cot² θ - 1, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है √sec² θ - 1, तो ये देखिए √sec² θ - 1 होता है tan² θ, और टेन स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा tan θ, तो ये tan θ किसके बराबर हो जाएगा √sec² θ - 1 के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है, 1 - cos 4θ, cos 4θ 1 - cos 4θ किसके बराबर है, ठीक है, cos 4θ, तो ऑप्शन दिया है sin² θ इंटू 1 - cos² θ, sin² θ इंटू 1 + cos² θ, और sin² θ इंटू 1 + sin² θ, और डी में ऑप्शन कोई नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन में 1 - cos 4θ, इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos² θ, और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और cos² θ का स्क्वायर cos⁴θ हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a² - b², तो a² - b² होता है a + b, यानी 1 + cos² θ हो जाएगा, a + b हो गया इंटू a - b, यानी 1 - cos²θ, अब यहाँ देखिए 1 + cos²θ इंटू 1 - cos²θ, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 - cos²θ होता है sin²θ, तो यहाँ ये हो गया sin²θ, तो sin²θ इंटू 1 + cos²θ, यानी ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है sin²θ
इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, तो देखते हैं हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट कर किस में बदल जाएगा? 1 में। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में cos थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा किसके बराबर है? 2/√3 के बराबर है। तो ये जो है मान याद कर लेंगे हम लोग, जो मान याद किए हुए हैं टेबल उसी के हिसाब से बन जाएगा। तो cos कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है वही लिखना है। तो cos 30 डिग्री कमान होता है 2/√3, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाए निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है? ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन 1 के बराबर है। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 45 डिग्री। क्योंकि देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। अब चलिए इस पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए। ये भी पूछ सकता है थीटा के किस मान के लिए tan थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cot 45 का भी वैल्यू होता है 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। और इसी को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, देखिए कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, थीटा के किस मान के लिए पूछा जा रहा है साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ थीटा का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 2 × थीटा है, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 6 का मान क्या होगा? तो पहले ही बताया है कि पाई जब भी देगा तो पाई का मान कितना लेना है? 180। तो पाई बाई 2 है, यानी साइन पाई बाई 2 यानी साइन 180 बाई 2। तो साइन 180 का बाई 2 का मान हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। और साइन पाई बाई 6 तो
पाई का वैल्यू कितना 180, यानी 180 डिग्री बटा 6 की जगह तो आ जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1 में से 1/2 आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 1/2, एक में से एक बटा दो हटा देना है तो हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट रहो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है 2 sin 40° बटा cos 50° किसके बराबर है, तो देखिए इस 2 को हटा कर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं sin 40° बटा cos 50°, तो sin 40° को हम लिख सकते हैं sin 90° माइनस 50° बटा cos 50°। क्या है देखिए sin 90° माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 50° हो जाएगा, वही हो जाएगा cos 50° का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें, यानी 2 into 1 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 sin 10° बटा cos 80° किसके बराबर है, तो यहाँ जो आंसर होगा, यहाँ जो अंक होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर पूछा जाए 5 tan 30° बटा cos 60° प्लस 6 sec 30° बटा cosec 60° ये किसके बराबर है, तो देखिए ये tan 30 बटा cos 60 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 से 5 में गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 और cos, ये भी इस तरह से 1 हो जाएगा और ये हो गया 6, तो 5 और 6 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है यदि 3 tan θ बराबर √27 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को काफी घुमा कर दिया गया है, 3 tan θ बराबर √27 दिया गया है, √27 को हम वैसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 3 बाहर आ जाएगा तो 3 × 3 √3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√3, और इधर से 3 को इधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा तो बच गया √3। अब tan कितना का वैल्यू होता है √3, आप लोग पता है tan 60 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4θ बराबर 120° तो cos 2θ का वैल्यू क्या होगा, तो 4θ का वैल्यू 120° है, तो केवल θ का वैल्यू 120° बटा 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 30 बार में 30 से ऊपर 120, तो θ का वैल्यू कितना हो गया 30°, तो हम लोग उससे पूछा जा रहा है 2θ, cos 2θ यानी cos और 30 से 2 में गुना कर देंगे तो cos 60°, यानी cos 60° का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है 1 cos² ((1 − cos²θ) किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये 1 हो गया और यह (+cos²θ), आइए देखिए 1 − cos²θ बराबर होता है sin²θ, तो ये sin²θ हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 1 + cot²θ बराबर होता है cos²θ बटा sin²θ गुना sin²θ, ये हो गया sin²θ से sin²θ कट जाएगा तो बच गया 1 + cos²θ। 1 + cos²θ किसके बराबर होता है, 1 + cos²θ, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 1
यदि माइनस होता ऑप्शन ए सही होता, टेन स्क्वायर थीटा होगा नहीं, वन होगा नहीं। अगर यहाँ रहता साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होता, वन हो जाता। तो इसका ऑप्शन डी में जो है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रूट टू कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा बराबर वन, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये इजी है, रूट को इधर रूट टू को भेज देंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बाई रूट टू। तो कॉस कितना का वैल्यू वन बाई रूट टू होता है, 45 डिग्री, यानी थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दिया है टू सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस टू कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। फर्स्ट टॉप क्वेश्चन है। अभी तो इसमें से मान लीजिए यदि टू कॉमन निकाल लिया जाता है तो सेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 37, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा टू सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस टू, और कॉट 37 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। कॉट 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉट 37 डिग्री। इसको आगे बढ़ाएंगे टू सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस टू, और ये देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री। अब ये इसमें से हम लोग टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 53 डिग्री, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है तो ये हो जाएगा टू इंटू वन यानी टू, इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री, ये भी इसी तरह से है। तो ये हो जाएगा, ये कोसेक है, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में दिया गया कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। तो कोसेक को हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे चेंज करेंगे तो कोसेक स्क्वायर 35 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 90 में से 55 डिग्री चला जाएगा तो 35 डिग्री हो गया, और ये हो गया टेन स्क्वायर 55 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये कॉस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस यहाँ टेन स्क्वायर 55 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसका आंसर हो जाएगा वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, इसका सही आंसर देखिए क्या है। तो ये साइन स्क्वायर 40 माइनस कॉस स्क्वायर 50, इसमें किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0 आंसर। इस तरह से इसी पर क्वेश्चन आधारित क्वेश्चन दिया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस में, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 37 डिग्री, 90 माइनस 37 हो जाएगा 53। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री और प्लस, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक फॉर्मूला दिया गया है, टैन ए किसके बराबर है, तो इसमें ए फॉर्मूला का यूज किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका कॉट 90 डिग्री माइनस ए। इसमें किसी प्रकार कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टैन ए इज इक्वल टू होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू टैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर एम बटा एन तो टैन थीटा का मान क्या होगा, तो टैन थीटा का मान पूछा जाए। साइन थीटा बराबर एम बटा एन दिया है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो यानी पी का मान हो जाएगा इसमें एम और एच का मान हो जाएगा एन, तो बी हम लोग निकाल लेंगे, तो रूट अंडर एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी हो गया। और पूछा जा रहा है टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है पी बटा बी, तो पी का वैल्यू यहां पर दिया गया है एम है, यहां एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू कितना है एम बटा बी का वैल्यू आया है रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और काफ़ी इजी चीज है, तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा और बाकी बेसिक पर सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव था, इसका सॉल्यूशन कर दिया गया।